नमस्कार दोस्तों, आज हम विगोरा 100 टेबलेट और न्यूरोकाइंड कैप्सूल के बारे में, न्यूरोकाइंड प्लस कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूरोकाइंड प्लस कैप्सूल है और ये है विगोरे 100 mg टेबलेट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि विगोरे 100 टेबलेट है वो किसके लिए यूज़ होता है। तो ये विगोरे 100 टेबलेट बेसिकली जिन पुरुषों में कामच्छा की कमी होती है या फिर शिश्नोत्थान की कमी होती है या फिर जिन पुरुषों का जो वीर्य स्खलन का समय बहुत ही कम होता है उसे बढ़ाने के लिए ये जो विगोरे 100 टेबलेट है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें तो विगोरे 100 टेबलेट में जो कंटेंट है वो है सिल्डेनाफिल साइट्रेट, यहाँ पे 100 mg टेबलेट में डाला गया है। ठीक है, और ये जर्मेड कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसकी प्राइस देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 116 रुपये है चार गोली के। ठीक है, चार टेबलेट के 116 रुपये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस तरह के रेड कलर के टेबलेट में आता है विगोरे 100 टेबलेट। ठीक है, तो ये 100 mg में है, इसका दूसरा फॉर्म है वो 50 mg में भी आता है जो हाफ डोज इसका रहता है। तो दोस्तों ये अब जानते हैं कि पुरुषों में किस तरह से कामेच्छा को बढ़ाता है। तो जो सिल्डेनाफिल साइट्रेट है वो एक बेसिकली फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर एंजाइम है। तो उसकी वजह से क्या होता है तो कि जो पुरुषों के जो लिंग होती है उसमें बहुत सारी खून की नलियां यानी कि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, तो उन ब्लड वेसल्स में वासोडाइलेशन होता है यानी कि जो पुरुषों के शिश्न में जो ब्लड वेसल्स होती है वो ओपन हो जाती है यानी कि खुल जाती है। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो रक्त का बहाव बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से पुरुषों का जो शिश्न में खून बढ़ने से उसका शिश्नोत्थान की प्रोसेस होती है। ठीक है, और दूसरा उसकी वजह से जो है पुरुषों का शीघ्र पतन का जो समस्या वो दूर होती है और जिन लोगों का वीर्य स्खलन कम समय में होता है उसका समय भी बढ़ जाता है क्योंकि ज़्यादा ब्लड फ्लो है वो पुरुषों के जो लिंग होते हैं उसमें बढ़ जाता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, इसकी वजह से विगोरे 100 टेबलेट पुरुषों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब हम इसके डोज की बात करें तो ये जो है डोज वो आपको जो सहवास करने से एक घंटे पहले दूध के साथ या फिर पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं। अगर इसे दूध के साथ लेंगे तो इसकी इफ़ेक्ट है और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और दोस्तों हम इसके जो साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो सिल्डेनाफिल की वजह से आपको हेडेक हो सकता है या फिर आपका ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है या फिर इसकी वजह से आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम यानी कि खाना ठीक तरह से पचता नहीं है, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है इसे आप लंबे समय तक इसे यूज़ करें तो। ठीक है, और इसका मेन साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये टेबलेट की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है क्योंकि ये गोली है वासोडाइलेशन करती है यानी कि हमारे पूरे बॉडी में जितनी भी खून की नलियां होती है ब्लड वेसल उसकी साइज़ बढ़ा देती है। तो वहाँ पे ब्लड हर्ट हमारा जो हृदय है हमारा हर्ट है वो जो ब्लड को ठीक अच्छी तरह से पंप कर नहीं पाता है, आगे धकेल नहीं पाता है क्योंकि उसकी नली की साइज़ बढ़ जाती है हमारे ब्लड वेसल की, तो ब्लड प्रेशर है कम हो जाता है। तो जिन लोगों को पहले से ही ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है या फिर ब्लड प्रेशर की और कोई गोलियां खा रहे हैं ब्लड प्रेशर कम करने की बीपी की प्रॉब्लम वाले लोग, ऐसे लोगों को ये सिल्डेनाफिल टेबलेट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम दूसरी बात करें तो वो है न्यूरोकाइंड प्लस कैप्सूल। तो न्यूरोकाइंड प्लस कैप्सूल में आप यहाँ पे देख सकते हैं मिथाइल कोबालामाइन अल्फा लिपोइक एसिड पाइरीडोक्सिन एंड फोलिक एसिड है। तो ये बेसिकली मल्टी विटामिन कैप्सूल है और जिन पुरुषों को रेड ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोषों की कमी है, जिन पुरुषों का रक्त में जो RBC सेल्स कम होते हैं उसके लिए यूज़ होता है या फिर जिन पुरुषों को डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि डायबिटीज़ की वजह से पैरों में जलन होती है तो ऐसे पुरुष भी इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी ये है जो मैनकाइंड फार्मा बनाती है और इसकी प्राइस हम देखें तो 98 रुपीज़ है 10 कैप्सूल के। ठीक है,
तो दोस्तों ये थी जानकारी न्यूरोकाइंड प्लस कैप्सूल और विगोरे 100 एमजी टेबलेट। अगर ये आपको अच्छी लगे जानकारी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।